हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 5 शेडिंग टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जो आपको शेडिंग करने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को मत मिस करना और वीडियो को पूरा अंत तक देखना। लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट शेडिंग टेक्निक हैचिंग है, जिसमें हमें स्ट्रोक्स लगाने रहते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। इस टाइप की शेडिंग को हम हैचिंग कहते हैं। देख सकते हैं मैं एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी लगाना है स्ट्रोक्स। हम लोग ऐसे ही शेड करेंगे, डार्क टोन भी इस ऐसे ही क्रिएट करेंगे और लाइट टोन भी। इससे आपकी शेडिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है और इसकी नाम है हैचिंग। अब बढ़ते हैं सेकेंड टेक्निक की ओर। तो सेकेंड टेक्निक है क्रॉस हैचिंग, जिसमें हम लोग शुरू में पहले एक डायरेक्शन में हैचिंग करते हैं, स्ट्रोक्स लगाते हैं, उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में भी स्ट्रोक लगाते हैं। हम लोग इस बार दो अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाते हैं, दो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं स्ट्रोक लगा रहे हैं। ये थोड़े डार्क एरियाज़ में हम लोग स्ट्रोक लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्रॉस हैचिंग। बॉल पेन ड्राइंग में भी क्रॉस हैचिंग का बहुत ही यूज़ होता है। अभी मैं एक ही डायरेक्शन से लगा रहा हूँ, अब मैं दूसरे डायरेक्शन से लगाऊंगा। देखिए, देख सकते हैं पेपर में क्रॉस जैसा फॉर्म होता है। इसमें क्रॉस जैसे छोटे छोटे शेप्स फॉर्म होते हैं, इसे हम लोग क्रॉस हैचिंग कहते हैं। इसमें भी हम लोग डार्क टोन और लाइट शो टोन क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम है क्रॉस हैचिंग। अब बढ़ते हैं थर्ड टेक्निक की ओर। तो थर्ड टेक्निक में हम लोग डॉट्स के मदद से शेडिंग करते हैं। देख सकते हैं मैं डॉट कर रहा हूँ पेपर पर। इससे बहुत ही टाइम वेस्ट होता है पर बहुत लोग इसे यूज़ भी करते हैं। मुझे तो ये बोरिंग लगता है पर बहुत लोग को ये अच्छा भी लग सकता है। देख सकते हैं इसमें हम लोग डॉट करके शेडिंग करते हैं। ऐसे ही हम लोग लाइट भी क्रिएट करते हैं और डार्क भी क्रिएट करते हैं। लाइट में हम लोग हल्के हल्के डॉट्स देते हैं और डार्क में हम लोग थोड़े डार्क डॉट देते हैं। देख सकते हैं आप। और इस टेक्निक का नाम है स्ट्रिपलिंग। इसका नाम है स्ट्रिपलिंग। बहुत ही आर्टिस्ट इस टेक्निक को भी यूज़ करते हैं। अब फोर्थ टेक्निक है, जिसमें हम लोग स्क्रिबलिंग करते हैं, स्क्रिबलिंग आर्ट। हम लोग इसमें कोई भी पेंसिल को इधर उधर घुमा के शेड करते रहते हैं। देख सकते हैं मैं इधर उधर पेंसिल को घुमा घुमा कर शेड कर रहा हूँ। हमें पेपर पर स्क्रिबल करना पड़ता है इस टाइप की शेडिंग करने के लिए। डार्क के लिए हमें थोड़ा डार्क शेडिंग स्क्रिबलिंग करना होता है। ये करने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। स्क्रिबलिंग करते रहते हैं पर इसका नाम स्क्रिबलिंग नहीं है, इसका नाम स्कम्बलिंग शेडिंग है। इसका नाम है स्कम्बलिंग। देख सकते हैं मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ पेपर पर। इसका नाम है स्कम्बलिंग। और अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक की ओर, जो है स्मजिंग। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है, शेडिंग टेक्निक जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यही रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसमें हम ग्रेफाइट को स्मज करते हैं, कॉटन नहीं तो टिश्यू पेपर नहीं तो ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं तो ब्रश के मदद से। देखिए अभी मैं अब ब्लेंड कर रहा हूँ इसे।
इसे मैं कॉट, इसे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। इसी से हम लोग रियलिस्टिक पोर्ट्रेट क्रिएट बनाते हैं। ब्लेंडिंग करने से एक स्मूथ जैसा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है शेडिंग पर। इस टेक्निक का नाम है स्मजिंग, हम लोग इसे ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। स्मजिंग टेक्निक तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।